तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं राजेश वर्मा जी, जो कि भागलपुर के डिप्टी मेयर हैं। चलिए इनसे बात करते हैं कि ये अभी ज्येष्ठ गौरनाथ मंदिर के प्रांगण में पधारे हुए हैं, तो इनको कैसा लग रहा है। सबसे पहले चंचल धमाल न्यूज में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूर्व डिप्टी मेयर भागलपुर हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे देर सवेर आज यहाँ आने का सुअवसर प्राप्त हुआ, और हमारे लोजपा परिवार के हमारे बड़े भाई, जिनको हम लोग पार्टी में जोड़कर खुद को मजबूत महसूस कर रहे हैं, ऐसे राहुल चौहान जी, जिनके द्वारा अभी जुड़ने में कुछ ही दिन हुआ है और इनके द्वारा जो है काफ़ी लोगों को पार्टी में जोड़ा भी गया, और आज एक बहुत नेक पहल इन्होंने आज ये की, जिसमें कांवड़ियों को निःशुल्क जो है सेवा भाव के माध्यम से ये सेवा करने का काम कर रहे हैं, एक कैंप लगाने का काम किया है। और इसके शुभारंभ के लिए, इसके उद्घाटन के लिए मुझे अपने छोटे भाई को याद किया, तो मैं बेशक बड़े भाई का आदेश तो छोटे भाई को आना ही था, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए। ज़्यादा कुछ नहीं पूछना चाहूँगा आपसे, एक सवाल आपसे है कि आप जब यहाँ आए, और आने में भी आपको काफ़ी देर हुई क्योंकि ट्रैफिक के वजह से, तो ये सुविधा के वजह से ही हुआ होगा। और जब यहाँ पे कमरिया पथ चलती है, और सावन के महीना में कम से कम लाखों कमरिया इस रोड से चलती है, और अभी तक कोई भी प्रशासन के तरफ से, सरकार के तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं दिया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। बेशक ये चिंतन का विषय है, चिंता का विषय है कि जो कांवड़ियों का जो पथ है, लाइट का भी अभाव देखने को मिला, और साथ ही साथ तमाम जगहों पर जाम की समस्या भी, जबकि ये मालूम है कि लाखों की तादाद में पूरे 2 माह तक देश से विदेश से लोग यहाँ से आके सुल्तानगंज से जल भर कर बाबा नगरी जाते हैं, तो वहाँ जाने के बावजूद जिला प्रशासन की लचर व्यवस्था अपने आप में ये बताती है कि सारी चीज़ें सिर्फ कागजों में खाना पूर्ति हो रही है, वास्तविकता में स्थिति क्या है वो आम आवाम देख रही है और आम आवाम सब समझ रही है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ गौरनाथ मंदिर जो है वो सबसे श्रेष्ठ हैं, और देवघर का स्थिति आप तो देखे ही होंगे, वहाँ पे कितना व्यवस्था दिया गया है। क्या ये बिहार में रहने के कारण ऐसा है या फिर और कोई कारण है। नहीं, हम बिहार में रहते हैं, ये तो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, लेकिन हम बिहार में जो सरकार है वो कभी भी किसी भी एक व्यक्ति की नहीं, सिर्फ जोड़ तोड़ की सरकार है, इसीलिए मुझे लगता है कि इसका खामियाजा हम बिहारियों को भुगतना पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि अगर बिहारी चाहते हैं, बिहार में रहने वाले तमाम लोगों को मैं बिहारी समझता हूँ, ना कोई जात ना किसी मजहब में बांटते हुए, अगर सही में बिहारी अपनी बेहतर स्थिति को चाहता है तो ये जात पात के मजहब के बंधन से जैसे ऊपर उठेगा तो उनको एक बेहतर बिहार मिल पाएगा, अन्यथा इसी स्थिति में रहेंगे, और ये सिर्फ हम लोग सरकार को कोस पाएंगे, इसके अलावा कुछ करने की स्थिति में नहीं रह पाएंगे। भैया एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जयंत राज जी जो मंत्री हैं यहाँ पे, जो कि अमरपुर विधानसभा क्षेत्र से पाए जाते हैं, और वो सुल्तानगंज में जा कर के फीता काटते हैं, देवघर में जा कर के घूमते हैं, लेकिन इस पथ पे एक बार भी वो पलटी मारने भी नहीं आए, एक बार भी देखने भी नहीं आए कि ज्येष्ठ गौरनाथ मंदिर का क्या स्थिति है, इस पथ का क्या स्थिति है, यहाँ पे कमरिया किस प्रकार से पैदल यात्रा करेगा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। नहीं, मैं व्यक्ति विशेष पर कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ। मैंने सरकार को और प्रशासन को, इसके लिए मेरे नज़र में सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है, स्थानीय जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो अपने स्तर से सतत प्रयास करते रहें, आपके क्योंकि हर 5 साल में उनको लोगों के बीच जाना है, तो मुझे लगता है कि जयंत राज जी भी अगर सुल्तानगंज से ही हैं, अमरपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत कर गए हैं, तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा, क्योंकि वो मंत्री भी बिहार सरकार में हैं, तो उनको थोड़ा और जवाबदेही और जिम्मेदारी को बेहतर समझते हुए और अपने आवाम के लिए और बेहतर काम करने की और उनके साथ उनके बीच रहने की मुझे लगता है कि अभी आवश्यकता है सावन मास के वक्त में। और क्या कहना चाहिए? बस बाकी सभी लोगों को सावन मास की ढेरों शुभकामनाएं बधाई, बाबा भोलेनाथ सबों के ऊपर अपनी असीम कृपा बनाए रखे, हम सबों के घर में सुख समृद्धि और संपत्ति बनी रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चला
मंदिर।